टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से ह्युंडई को पटक कर उसकी नंबर टू पोजीशन पर कब्जा किया। और ये करिश्मा हुआ है मई के महीने में, जहां टाटा ने अब तक की अपनी सबसे बेस्ट सेल्स कर डाली। बहुत बढ़िया, 43,341 यूनिट्स बेचकर हाईएस्ट मंथली सेल्स का रिकॉर्ड बनाया, जबकि ह्युंडई की सेल्स सिर्फ 42,293 यूनिट्स थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि टाटा ने ह्युंडई को पीछे किया। 6 महीने पहले दिसंबर में भी टाटा ने ह्युंडई पे हमला कर उसकी सेकंड पोजीशन पर हाथ साफ किया था। लेकिन अगर बात हो नंबर एक की, तो सबसे सेफेस्ट कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी। ये क्या बकवास कर रहा है? मजाक था। तो जो मारुति है वो तो हमेशा की तरह टॉप पर परमानेंट कब्जा कर रखी है। ऐसा जम गई कि इसको हिलाना तो अभी किसी के बस में नहीं। वैसे अभी टाटा वाले फोर्ड का गुजरात वाला प्लांट भी खरीदे ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि भविष्य में मारुति और टाटा की भयंकर घुसनबाजी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं। वहीं ह्युंडई का बार बार नीचे लुढ़क जाना ये दिखाता है कि अब उसका वर्चस्व खतरे में है, क्योंकि टाटा इस सेकंड पोजीशन पर परमानेंट कब्जा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। वैसे भाई लोगों, तुमको क्या लगता, क्या टाटा सेकंड पे जमा रहेगा या फिर से ह्युंडई वापसी करेगी? तो भाई लोगों, आज इतना ही, लेकिन भाई अपने लिए तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा, और जाते जाते सब्सक्राइब पर तशरीफ रख दीजिएगा। जय हिंद।